नमस्कार दोस्तों, चाइना के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब लगभग पूरी दुनिया में अपने पांव फैला चुका है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई और बर्बाद हो गई है। यह तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय पूरा भारत कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी का सामना कर रहा है। बीजेपी सरकार ने कोरोना वायरस के सामना करने के लिए कई बड़े इंतजाम कर लिए हैं। इस समय पूरे भारत को बंद कर दिया गया है और सभी लोगों को अपने अपने घरों में रुकने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को समझाया कि लेकिन इस बीच जो लोग ट्रेनों और बसों के बंद हो जाने से बीच में फंसे हुए, उनके लिए शिवराज सिंह चौहान ने एक दमदार आदेश दिया है, जिसको जानकर विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के फैन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश को योगदान करने का आदेश बहुत ही मजबूरी में लेना पड़ा था। जी हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 21 दिन के लिए लॉकडाउन पर रख दिया है, जिसकी वजह से सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहना है। वहीं हाल ही में मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी कर दी है। पूरे भारत के लॉकडाउन होने से जो लोग अपने अपने घर जाने के लिए परेशान हैं और फंसे हुए हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है कि उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों के जो कर्मचारी और मजदूर अपने घर पैदल जा रहे हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है कि इन लोगों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके लिए हमारे कुछ राय। दोस्तों, इस समय भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसलिए आप साफ सफाई से रहें, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। लगभग साबुन कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि डिटॉल या लाइफबॉय हो, कोई भी साबुन हो, लगभग साबुन लगाकर या फिर किसी सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आँख कान नाक को छूने से बचें। साथ ही साथ जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, अपने घर पर रहें, सेफ रहें। और इसके साथ ही दोस्तों, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके पास जो भी पास पड़ोस में गरीब व्यक्ति हैं जिन्हें खाना नहीं मिला है, भूखे हैं, ऐसी स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि भारत को अचानक ही लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी जिसे समझने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ही देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। अगर वह ऐसा नहीं करते तो यह महामारी और भी अगले स्तर पर, लगभग तीसरे स्टेज में पहुंच जाती, इसलिए उन्होंने यह फैसला सोच समझ कर लिया। लेकिन इस बात का जनता को बिल्कुल भी आवाज नहीं था, इसलिए इस लॉकडाउन की वजह से बहुत से परिवार घर से बेघर हो गए हैं। तो प्लीज़, जो लोग घर से बेघर हो गए हैं या फिर भूखे घूम रहे हैं, आपके पास पड़ोस में ऐसे व्यक्ति ज़रूर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उनको भरपेट खाना खिलाएं और जो संभव सहायता हो सके प्लीज़ उन्हें सहायता करें तो बहुत अच्छा रहेगा और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।